वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। नाइन्थ क्लास के बच्चों को मैं इस समय केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रही हूँ कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसके डिफरेंट पार्ट्स को मैं धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि मेल्टिंग क्या है, फ्यूजन क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है। इन सब प्रोसेस में से एक प्रोसेस आज मैंने ली है जिसका नाम है ये चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड है। मेल्टिंग और फ्यूजन किसको कहते हैं? जब हमारा सॉलिड जो है वो द्रव में बदल जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। और इसको मैं एक आपको उदाहरण से समझा रही हूँ। यह एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, यह एक लोहे का स्टैंड है और इसके नीचे एक हमने एक गैस बर्नर लगा दिया और ये वायर गॉज जाली है और जाली पर हमने एक बीकर ले लिया है और बीकर में ये बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं और साथ में एक थर्मामीटर लगा दिया हमने कि थर्मामीटर से जो है किस लिए लगाया गया थर्मामीटर की क्या आवश्यकता है कि हम टेम्परेचर को नापते रहें कि कितना मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सॉलिड लेंगे इस समय हमने बर्फ ली है कि कैसे इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस जो है वो द्रव में बदल देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बर्फ जो है वो बर्फ के टुकड़े हैं और नीचे से हमने गर्म करना शुरू करा तो जो -5 पर सपोज करिए गैस हमारा बर्फ जमा हुआ है तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब जब हम गर्म करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा और ये हो जाएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, -1 डिग्री सेंटीग्रेड और लास्ट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आ जाता है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे हीट एनर्जी हम इसको देंगे टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है -4 से -4, -5 से -4, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, लास्ट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आ जाएगा तब ये टेम्परेचर और नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? जैसे अभी तक बढ़ रहा था इसको बढ़ना चाहिए बट ये नहीं बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा? जब सारी बर्फ जो है वो पिघल कर पानी में नहीं बदल जाती है उसको, तब तक ये टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट रहेगा और यही इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो फिर जो हम हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है? जो हीट गर्म करा जा रहा है इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में वो हीट क्या कर रही है? वो हीट मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत अधिक होता है उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। और जो वो हीट जो है एक छिपी हुई हीट है जो आगे नहीं बढ़ रही है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ये हमारे किस काम आती है? अवस्था को बदलने में लेटेंट हीट उसको कहा जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद दिया हुआ जितना भी ताप है वो आगे टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता। कब तक? जब तक कि सारा बर्फ जो है वो पानी में नहीं पिघल जाता है। जब सारा बर्फ पानी में पिघल जाएगा तो उस समय जो हीट दी जाएगी वो उसको कहलाते हैं हम लेटेंट हीट, है ना। और लेटेंट हीट पर ही जो है वो काम आती है किसके? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए। 1 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में बदलने के लिए आवश्यक हीट क्या कहलाती है? आवश्यक हीट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। जब तक पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में नहीं बदल जाएगा तो वो हीट जो है वो रुकी रहेगी और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे हम? हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी कोई भी ठोस होगा इस तरह से जो सारी जितनी भी हीट दी जा रही है वो किस काम आ रही है? वो
सारे ठोस मॉलिक्यूल्स को द्रव में बदलने के काम आ रही है। सारा बर्फ जब तक द्रव में पानी में नहीं बदल जाता है तब तक ये टेम्परेचर हमारा ऐसे ही रुका रहेगा, और इस टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये सारा बर्फ पिघल के रुक जाएगा उसके बाद में जो है जो हीट दी जाएगी वो इनकी अवस्था को चेंज करने में काम आएगी, जो कि ठोस में मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन काफी अधिक होता है, तो ये हीट जो क्या करेगी इनकी अवस्था को चेंज करेगी और मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करेगी। इस प्रकार से उनका जो इंटर ठोस में जो बीच बीच में स्थान होता है पास पास होता है वो क्या हो जाएगा, वो दूर दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे और ये हमारी क्या बन जाएगा, ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से स्टेट जो है वो चेंज हो रही, ठोस से ये द्रव में बदल रही है और जो हीट दी जा रही है वो इन मॉलिक्यूल्स के इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को तोड़ के और अवस्था को बदल रही है और पार्टिकल्स को दूर दूर कर रही है। इस प्रकार से सारा जो बर्फ जो है वो क्या में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। जब पानी में बदल जाएगा तब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ेगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। मेरे चैप्टर को मेरे पढ़ने के लिए इस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य सब्सक्राइब करें आप, और इसी तरीके से आपको मेरे अन्य चैप्टर्स भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।